आज हम बनाने जा रहे हैं चीज नान, और वो भी अपना घर पे बना सकते हैं तवा पे, कोई तंदूर का जरूरत नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 300 ग्राम मैदा लिए, 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी जितना बेकिंग सोडा ले लिए है, और इसको हम 1 टेबलस्पून दही लिए है वो भी पानी का साथ में, और इसको हम मिक्स करके ले लेंगे मैदा में। और फिर हम मैदा में लेके इसको फिर हम अच्छी तरह से मैदा को लगा लेते हैं, क्योंकि नान इसको लगाने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब जाके अच्छी तरह से मैदा मिक्स हो जाएगा। क्योंकि चीनी हमने ऐसा ही लिया है तो वो भी थोड़ा गलेगा, और बाद में 10-15 मिनट के बाद में थोड़ा सा और उसको एक बार मालिश कर देना है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसके लिए मैंने सूखा मैदा लिया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो ऊपर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 टेबलस्पून ले लिए तेल, कुकिंग ऑयल, और इसमें हम मिक्स करके इसको थोड़ा सा और हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसको रख देंगे। तो अब ये हो चुका है, तो दही लिया है इसके लिए थोड़ा सा पानी छूट रहा है, वो उसके लिए कोई बात नहीं। तो अभी मैं चीज़ को ग्रेट कर लेता हूँ, जो कि पिज़्ज़ा चीज़ है, पिज़्ज़ा में यूज होता है वो बोला है, और वही यूज होता है नान में। तो जो पिज़्ज़ा में यूज होता है वही चीज़ नान में भी यूज कर सकते हैं आराम से। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध लेके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीज़ को। इसके लिए मिक्स करने से ये होता ये है कि चीज़ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जो मैदे में हम स्टफिंग करेंगे तब आसानी से ये नान बन सके, नहीं तो जो ऐसे ग्रेट करके लेंगे तो एक साइड में चिपकेगा और फिर अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम तो 2 से 3 पेरा बना लेंगे नान के लिए, और उसको इस तरह से पेरा बना लेना है, और इसमें ऊपर से तेल लगा के रख देना है। अब फिर हम इसको स्टफिंग करेंगे, तो इस तरह से लेके इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। फिर हम इसमें चीज़ ले लेंगे और इसको मिला के चीज़ स्टफिंग करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और फिर हम फोल्ड करके रख लेंगे। तो दो बना रहे हैं सादा चीज़ नान, तो वो 2 के लिए था, और एक नान जो हम बनाएंगे उसमें चीज़ चिली नान बनाएंगे। तो इस तरह से मिर्ची को फाइन चॉप करके चीज़ में इस तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसको भी स्टफिंग कर लेंगे, और फिर हम इसको भी फोल्ड करके फिर 3 नान हम बना लेते हैं, 1 चीज़ चिली नान और 2 चीज़ नान। इससे पहले मैंने चैनल पे डाला है बटर नान, और फिर हम डाले हैं 1 गार्लिक नान, तो ज़रूर से चेकआउट करिएगा, और वो भी तावा पे बनाया है, तो चैनल पे जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो बहुत सारे रेसिपी है, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा रेसिपी। तो इस तरह से हम हाथ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड का साउंड मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि बहुत साउंड आ रहा था, बाजू में काम चल रहा है, तो इसके लिए तो इस तरह से बनाते हैं। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया है, हाथ पे भी बना सकते हैं, या तो चाहो तो बेल के भी बना सकते हो। देख सकते हैं ये तावा है जो लोखन का है, तो इसको थोड़ा गर्म करके हम उल्टा साइड में इस तरह से लगा ली है। जिस तरफ से चिपकाना है उसमें थोड़ा सा पानी लगा ले, ताकि निकलेगा नहीं, और इसको हम उल्टा करके देख सकते हैं इस तरह से बर्नल पे सेक लेना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि जले नहीं, और ये चीज़ है तो जल्दी पिघलने का वो होता है, देख सकते अब पिघलने लगा है, और तो नान भी हो चुका है। तो इस तरह से मैंने 2 नान बना लिया था, और ये 3रा नान हो गया है, तो बीच वाला जो है वो चीज़ चिली नान है। तो इसको हम इस तरह से बटर लगा लेंगे, और ये है चीज़ चिली नान जो कि थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, तो में हम बटर लगा के इसको हम कट कर लेते हैं 1/2, और फिर हम प्लेट में लेके ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर लेंगे, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, और चीज़ ऊपर से भी ग्रेट करते तो अच्छा लगता है कि
चलो चीज़ ना, जैसे कि पिज़्ज़ा में आता है या कोई चीज़ सैंडविच में, अंदर से भी होता है ऊपर से थोड़ा सा ग्रेट कर दो तो दिखने में अच्छा लगता है। इस तरह से देख सकते हैं चीज़ नान और चीज़ चिली नान दोनों बन के रेडी हो चुका है। अगर इसी भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।